नई सुबह प्रेजेंट्स राहे हिदायत बाय मुफ्ती सादिक अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन किराम, आज के सेशन में हम बात करेंगे कि अच्छे ताल्लुकात में ही खुशहाली का राज है। दुनिया में खुश खुरम रहने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करें। बहुत से लोगों में कुदरती तौर पर यह सलाहियत होती है कि वो किसी अजनबी से भी बहुत जल्द अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, और जिनके साथ उनके ताल्लुकात कायम होते हैं उन्हें ये एहसास भी दिलाने में कामयाब साबित होते हैं कि बाहमी दोस्ती और अच्छे ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इंसान फितरी तौर पर मिल जुल कर रहना चाहता है। रवाबित, रस्म रिवाज और ताल्लुकात इंसान को अच्छी ज़िंदगी का एहसास दिलाते हैं। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी में अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार करने के क्या आदाब होते हैं, आज के सेशन में उस पर गुफ्तगु कर लेते हैं। नंबर एक, अपने अहले मोहब्बत दोस्तों अहबाब से खूब मोहब्बत कीजिए और दोस्तों के लिए मरकज़ी मोहब्बत बनिए। वो शख्स इंतहाई खुश नसीब है जिसको उसके दोस्तों अहबाब अज़ीज़ रखते हैं और वो दोस्त अहबाब को भी अज़ीज़ रखता हो, और वो शख्स इंतहाई महरूम है जिससे लोग बेजार रहते हों और वो लोगों से दूर भागता हो। मुफलिस वो नहीं है जिसके पास दौलत न हो, बल्कि हकीकत में सबसे बड़ा मुफलिस वो है जिसका कोई दोस्त न हो। दोस्त अहले ताल्लुक ज़िंदगी की जीनत, सफ़र हयात का सहारा और खुदा का इनाम होते हैं। दोस्त बनाइए और दोस्त बनिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मोमिन सरापा उल्फत व मोहब्बत है, और उस आदमी में सिरे से कोई खैर व खूबी ही नहीं है जो ना तो दूसरों से मोहब्बत करे और ना दूसरे ही उससे मोहब्बत करे। मिश्कात शरीफ। कुरानी पाक में अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअअज़ुहुम औलिया बअअज़, सूरह तौबा। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें आपस में एक दूसरे के दोस्त और मुआविन होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने साथियों से इंतहाई मोहब्बत फरमाते थे और हर एक ये महसूस करता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सबसे ज़्यादा उसी को चाहते हैं। हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इस तवज्जो और खुलूस के साथ मुझसे मोहब्बत करते थे, मुझसे गुफ्तगू फरमाते थे और इतना ख्याल रखते कि मुझे ये ख्याल होने लगा कि शायद मैं अपनी कौम का सबसे बेहतर आदमी हूँ। और एक दिन मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से पूछ बैठा कि या रसूल अल्लाह, मैं अफजल हूँ या अबू बकर? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर अफजल हैं। फिर मैंने पूछा, मैं अफजल हूँ या उमर? फरमाया, उमर। मैंने फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, मैं अफजल हूँ या उस्मान? इरशाद फरमाया, उस्मान। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से बड़ी वजाहत के साथ हकीकत मालूम की और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने बिला रो रियायत साफ साफ बात कह दी। तब तो मुझे अपनी इस हरकत पर बड़ी ही शर्म आई और मैं दिल में ख्याल करने लगा कि भला ऐसी बात पूछने की मुझे क्या ज़रूरत थी। अंदाज़ा लगाइए कि अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का नंबर तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद
हज़रत अमर बिन अलआस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ कितनी मोहब्बत करते थे, कितना उनका ख्याल रखते थे कि वो ये समझें कि शायद नबी अलैहिस्सलाम मुझसे ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझसे ही सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। नंबर दो, दोस्तों और अहले ताल्लुक़ के साथ मिल जुल कर मोहब्बत की ज़िंदगी गुजारिए और मुखलिसाना ताल्लुकात कायम करने और कायम रखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों से नफ़रत, बेजारी और लिए दिए रहने की रविश छोड़िए। जब आदमी दोस्तों में मिल जुल कर रहता है और हर मामला में उनका शरीक रहता है तो उसके नतीजे में उसको तरह तरह की तकलीफ़ें भी पहुँचती हैं। कभी उसके जज्बात को ठेस पहुँचती है, कभी उसके वक़ार को सदमा पहुँचता है, कभी उसके आराम में खलल पड़ता है, कभी उसके मामूलात मुतासर होते हैं, कभी उसकी ख्वाहिश और रुझान के ख़िलाफ़ कुछ बातें सामने आती हैं, कभी उसके सब्र बर्दाश्त की आजमाइश होती है, कभी उसको माली नुकसान भी पहुँचता है। गरज मुख्तलिफ किस्म की अजियतें और तकलीफ़ें उसको पहुँचती हैं, लेकिन जब यह शख्स उन अजियतों को बर्दाश्त करता है, उन तकालीफ पर सब्र का मुजाहरा करता है, तो ऐसे शख्स के दिल में इससे जिला पैदा होती है। अच्छे ताल्लुकात इस्तेवार करने की वजह से अच्छे अखलाक नशोनुमा पाते हैं और वो तरबियत व तज़किये के फितरी मनाजिल से गुज़रता हुआ रूहानी और अखलाकी तरक्की करता है। ऐसे शख्स में तहम्मुल बुर्दबारी, ईसार व शफ़क़त, हमदर्दी व ग़मगुसारी, मुरूवत व वफ़ादारी, खैरख़ाही और तआउन, खुलूस व महब्बत, सखावत व शजाअत और मरहमत, शफ़क़त व मुवासात के आला तरीन जज्बात पैदा होते हैं और वो इंसानी मुआशरे के लिए सरापा खैर व बरकत बन जाता है। हर दिल में उसके लिए क़द्र व अज़मत के जज्बात होते हैं और हर इंसान इसके वजूद को अपने हक़ में रहमत का साया समझता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जो मुसलमान लोगों के साथ मिल जुल कर रहता है और उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, वो कहीं बेहतर हैं उस शख्स से जो लोगों से अलग थलग रहता है और उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ़ों पर दिल बर्दाश्ता हो जाता है। रवाहु तिर्मिज़ी। अल्लाह तबारक ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।